इस दिन करें खटतिला एकादशी का व्रत, सभी रोगों और कष्टों से मिलेगी मुक्ति। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। सनातन धर्म में एकादशी का बेहद खास महत्व है, जिसमें से खटतिला एकादशी का अलग महत्व है। हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को खटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है और वहीं भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु को विशेष उनकी पूजा आराधना करता है और व्रत रखता है, उसके जीवन में कभी रोग और कष्ट नहीं रहता। इस बार खटतिला एकादशी दिनांक 18 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए, आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि खटतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और इस एकादशी के व्रत का क्या महत्व है। क्या खटतिला एकादशी का महत्व है? खटतिला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। ये एकादशी भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। इस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करता है, उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिलती है। खटतिला एकादशी के दिन स्नान करना, उपटन लगाना, दान देना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस दिन भगवान विष्णु तो पूजा करने से इनकी पूजा मतलब भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसके अलावा सभी रोगों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। खटतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, जान लीजिए आप हिंदू पंचांग में। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 17 जनवरी 2023 को मंगलवार को दिन में 12:36 से लेकर अगले दिन 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार को दिन में 11:10 तक रहेगा। इसीलिए दिनांक 18 जनवरी को खटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और व्रत का पारण दिनांक 19 जनवरी 2023 को समय के बाद सूर्योदय के बाद होगा। खटतिला एकादशी की पूजन की विधि क्या है, जानिए इस वीडियो से। खटतिला एकादशी पर सुबह सबसे पहले स्नान करके मंदिर जाइए और भगवान विष्णु की पूजा के लिए विधिवत भगवान विष्णु को पुष्प फूल धूप आदि अर्पित करें और भगवान विष्णु से सुखी जीवन की प्रार्थना करें। भगवान विष्णु को तिल की बनी चीजों का भोग लगाएं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए।